किया है, यानी कि हाइपरलिंक का यूज किया है। ओके, फिर ए टैग को, ए टैग हमने जो लिखा है उससे पहले हमें एक और पी टैग का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली ए टैग हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो ए टैग लिखा है, उससे पहले फिर से पैराग्राफ टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ए यहाँ पर पी टैग कंप्लीट।
नाम से सेव करेंगे बिफोर डॉट एच टी एम एल, यानी कि आपका जो पी3 डॉट एच टी एम एल वाला पेज है वो पहले फाइल हो गई, यानी कि कॉलिंग फाइल, एंड बिफोर डॉट एच टी एम एल वाला जो पेज है वो आपका क्या बन गया, रेफर, यानी कि कॉल फाइल। ठीक है, आपने ये पेज सेव कर लिया। अब कॉलिंग फाइल किसे बोलते हैं, कॉल फाइल किसे बोलते हैं, पेरेंट फाइल एंड रेफर फाइल। ठीक है, पेरेंट फाइल यानी जिस फाइल के अंदर हमने ये जो एच आर एफ एम पर बैक का यूज किया है वो। ठीक है, एंड उस पेज में से जिस पेज में जा रहे हैं उसे रेफर्ड फाइल, यानी कि रेफर्ड पेज, इट कॉल्ड कॉल पेज। ठीक है, कॉलिंग पेज कॉल पेरेंट एंड रेफर्ड। ओके, अब इसका आउटपुट कैसा होगा, बिफोर डॉट एच टी एम एल जब आप ओपन करोगे तब कहाँ से ओपन करोगे, डायरेक्टली आप ओपन करना नहीं चाहते। ठीक है, पहले पी3 पेज ओपन करोगे ब्राउजर्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या करोगे, पी हियर, यानी कि क्लिक हियर पर आप क्लिक करोगे तो आप किस पेज पर जंप करोगे, क्लिक हियर पर जब आपने क्लिक किया तो उसमें आपने कौन सा एड्रेस लिखा था, एड कंटेंट के अंदर बिफोर डॉट एच टी एम, यानी कि आपके फाइल के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर जो बिफोर डॉट एच टी एम एल पेज है वो आपका ओपन होगा। और आपका आउटपुट कैसा मिलेगा कि जो टाइटल है उसमें तो अबाउट रेड में लिखा होगा, फिर पेज के अंदर बड़े अक्षर से क्या लिखा होगा, हाउ रैंको डेवलप, और उसके नीचे ये जो पैराग्राफ लिखा है वो। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो ये था एंकर टैग एंड एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने जब P3.html वाली फाइल थी, ठीक है, उसके अंदर आपने जो एंकर टैग का यूज किया, फाइल का वो लिखने की जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्टरी के अंदर है तो।
सबसे पहले लेफ्ट हैंड में भी ओके पहला लेफ्ट यानी कि कंटेंट इज लेफ्ट अलाइन लेफ्ट टू द पेज यानी कि पेज के लेफ्ट साइड इसका कंटेंट होता है ओके दूसरा राइट अलाइन राइट यानी कि
भी आपको मिलता है, ठीक है।